सुदामा कुटी में श्री रामानंद पुस्तकालय में जहाँ महाराज जी विराजते थे उनके चरणों में दास का आसन रहता था, भूमि पर ही महाराज जी का आसन रहता था और उनके चरणों की ओर दास का आसन रहता था। वो कमरा छोटा था और पूरा पुस्तकें उसमें भरी रहती थी और उस कमरे में से ही बाहर छत पर जाने का, दूसरे कमरों में जाने का रास्ता भी था आर पार, तो रोड भी था एक तरह से। उसके दूसरी तरफ कमरे के छोटा कमरा था, उसमें एक चौकी पड़ी थी, उस पर वेद भगवान विराजमान थे और अलमारियों में अष्टादश पुराण, उपपुराण, व्याकरण, न्याय, वेदांत आदि के ग्रंथ विराजमान, पूरा ग्रंथ, हजारों ग्रंथों के मध्य ही महाराज जी रहते थे। कभी विनोद में कहते थे पुस्तके सुबसाम में, हम उसी में हम रहते थे। अब महाराज जी के चरणों की ओर जो जगह थी 3-3.5 फीट और लंबी भी 3-3.5 फीट ही थी, लंबी भी उतनी थी, लंबी इसलिए उतनी थी कि 3 फीट से आगे पैर फैलाए तो रोड है, वो तो तुरंत कोई फाटक खोलेगा, बंदरों के कारण फाटक खोल के तो रख नहीं सकते, फाटक खोले भड़ाम से पैर टकराएंगे, फाटक जो है पैर में टकराएंगे। वो इतनी सी जगह थी। अब उसी में हमारे भी पुस्तक पुस्तक कुछ आसपास में रखते थे हम भी, कैसे भगवान की, गुरुदेव भगवान की कैसी कृपा, इतनी सी जगह में कैसे रहे, 14 वर्ष रहे। एक कमरा था वो खाली हो गया, उसमें एक बहुत अच्छे संत थे, वो कथा कहते थे, सुदामा कुटी में दूसरी जगह चले गए। महाराज बोले तुम विद्यार्थियों को पढ़ाते हो, चौकी खाली होगी, आप उस पे आसन लगा लो। कि आप नीचे आसन लगा, बोले हमारा अलग कमरा तुम्हारा अलग हो जाएगा, उसमें ऊंचे नीचे का भेद नहीं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं, तो वहाँ जगह खाली, वहाँ आसन क्यों नहीं लगाते, यहाँ क्यों आसन लगाते हो? तो हमने कहा महाराज जी आपको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? उन्होंने, हमें तो कोई कष्ट नहीं महाराज जी, मेरा तो सौभाग्य है कि आपके चरणों में हमको जगह मिली हुई है। अब वहाँ बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा पर आपके चरणों में निवास तो नहीं मिलेगा। तो फिर मुस्कुरा कर कहते अच्छा ठीक है, तुम असुविधा में ही रहना चाहते तो रहे आओ, कोई बात नहीं। तो अधिक से अधिक सन्निधि उनकी प्राप्त होती थी। उनकी अलमारी में कोई चीज खुल गई होगी या फूट गई होगी, लकड़ी की अलमारी थी, ये अलमारी फाटक चढ़े रहते ना लकड़ी के पल्ले वाले, वैसे फाटक चढ़े हुए थे, उसमें कोई चीज ऐसी खुली खुल गई होगी, शहद हो या जो चीज भी हो, मीठी चीज कोई होगी, उसकी गंध से चींटियों ने लाइन लगाई। उनकी तकिया आसन पर होते हुए और अलमारी में लाइन लगाई। अब महाराज जी का आसन भी इतना चौड़ा है, जितना ये सामने चौक, बस इतना चौड़ा आसन, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं, लंबा तो पूरा और चौड़ा इतना। अब उसमें तकिया और तकिया के नीचे आधे फिर अलमारी, उसमें चींटियों ने लाइन लगा दी। शाम का समय था, महाराज जी जैसे ही आए तो हम, महाराज जी मेरे रुके रुके रुके, क्यों क्यों? हमने कि इसको चींटियाँ हैं, इसको थोड़ा कपड़ा को उखाड़ के झाड़ दें वहाँ, उसके बाद फिर। तो महाराज जी ने देखा ध्यान से, अरे कितना बढ़िया रोड बनाया है, एकदम तार सूत से, एक लाइन से, वाह धन्य है देवियों, वाह, इनकी लाइन क्यों बिगाड़ते हो भाई? महाराज जी अलमारी में जा रही हैं, आप रात को सोएंगे कैसे? देखो इनको रात को दिखता नहीं है, ये इधर उधर भटक जाएंगी, बहुत सी मारी जाएंगी, कितना अपराध लगेगा। कितने सुखपूर्वक अपने गंतव्य तक जा रही हैं, आहार की तलाश में जा रही हैं, इनको प्रेम से यात्रा करने दो। महाराज भीतर कुछ नुकसान हो रहा होगा कुछ, लेकिन नुकसान क्या होगा,
खाने पीने की चीज में ही चींटियां लगती हैं, कोई खाओ पेट भरना चाहिए, तृप्ति होनी चाहिए। अच्छा है, खाने दो चींटियों को, बिल्कुल मत छेड़ो। आप कैसे सोएंगे, कपड़ा नहीं झाड़ेंगे तो? कहा हम और कहीं सो जाएंगे, और कहाँ सोएंगे, तो जगह ही नहीं, कहाँ सोएंगे? तो बोले आप रोज तो पूरे लंबे सोते थे, आप दो तीन हाथ नीचे सो जाएंगे और क्या तकलीफ है। तो महाराज जी एकदम नीचे सट करके ऐसे सोए कि उनकी लाइन ना बिगड़े। फिर उनके ये इतना चरण से घुटने तक का भाग हमारे आसन पर आ गया, हम थोड़े और किनारे हो गए। उस समय महाराज जी ने कहा था, आज महाराज जी की बात स्वामी जी ने दोहराई सूर्य प्रवचन में। उस समय महाराज जी ने कहा था, पंडित जी तुम समझते हो हमारा घर है, और ये चींटियां भी यही समझती हैं कि देखो हमारा घर है, हमारा रोड है, हमारी जगह है। ये इतने बड़े बड़े आदमी, इन्होंने बड़ी बेईमानी की, बड़ा बुरा किया, सब हमारी जगह पे कब्जा किए पड़े हैं, और है ये किसी की नहीं, सब राम जी की है, वो सब राम जी के हैं, सब राम जी की है और सब राम जी के हैं, इसलिए राम जी की जगह में सबको प्रेम से रहने दो, क्योंकि सब राम जी के हैं, सब जगह राम जी की है, सबको प्रेम से रहने दो। केवल प्रवचन सुना नहीं है, उनके निकट रहकर देखा है कि सर्वभूत हिते रता की व्याख्या क्या है, उनके निकट रह करके देखा है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया, देख लो कितनी विचित्र बात है, भगवान ने अपने को दुर्लभ नहीं बताया, भगवान ने अपने को तो सुलभ बता दिया और अपने प्राण प्यारे संतों को दुर्लभ बता दिया। भगवान दुर्लभ है, संत दुर्लभ हैं। जो सब में अपने आराध्य को देखकर सभी प्राणियों में दया के प्रति दया करुणा का व्यवहार रखते हो, जिनमें स्वार्थ की गंध भी न हो, ऐसे जो महात्मा हैं वो दुर्लभ हैं। ऐसे महात्माओं का दर्शन यदि हो जाए तो यदि अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है तो उसे अलग से भगवत दर्शन की भी आवश्यकता नहीं, भगवत दर्शन हो गया। अपने मन की बात कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब सुनने के भी लायक नहीं होते हैं, और हम ये भी नहीं कहते कि जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा हमारे में है, वैसी श्रद्धा का उसका एक अंश भी हमारे में नहीं है। लेकिन हमको ऐसा अपने मन में लगता है कि भगवान का एक दो मिनट का दर्शन नहीं, भगवान के साथ 14 साल तो हम साथ रहे भगवान के, और अंतिम क्षण में भी गुरुदेव भगवान अपना हाथ, हमारा हाथ पकड़े हुए थे, अपने दाहिने हाथ से हमारा दाहिना हाथ ऐसे पकड़े हुए थे, आज भी वे हमारा हाथ पकड़े हुए हैं, आज भी वे हमारा हाथ पकड़े हुए हैं, हमारा नहीं सबका पकड़े हाथ। अनुभव तो करो, अनुभव नहीं करते हम। श्री सीताराम, प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।